जिले में खसरा और रुबेला के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ बुधवार को हो गया। बिचौली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, समन्वयक राघविंद्र सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर निशांत परवड़े और कलेक्टर लोकेश जाटव मौजूद थे। रुबेला और खसरा के टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के साथ ही सुबह से ही इंदौर जिले के विभिन्न स्कूलों में टीके लगाने के लिए टीमें पहुंच गई। यहां पर बच्चों को टीके लगाए जाने के साथ ही स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को उनकी महत्ता के बारे में भी जानकारी दी। इसी प्रकार टीमें आंगनबाड़ियों में भी पहुंचकर बच्चों को टीके लगा रही है। मंत्री सिलावट ने कार्यक्रम में कहा कि टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा, साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इस अभियान में एक भी बच्चा टीका लगाए जाने से छूट न जाए। ये टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है 15 तारीख से। सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य विभाग का ही है। आपने ये मंगलवार को हर 8 दिन में चलेगा, निरंतर जारी रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला, आप चिंता मत करें। 2.5 करोड़ लगभग 2 करोड़ 34 लाख बच्चे इससे टीका लगे। इसके अलावा ये भी प्रयास किया जाएगा कि बच्चों में होने वाली विभिन्न तरह की मुख्य बीमारियों को चिन्हित किया जाए, इसको जड़ से मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए चर्चा कर प्रयास किए जाएंगे।